फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपका 10 नवंबर है और आज से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो स्टार्ट हो गया हर यूनिवर्सिटी में। तो जिस भी स्टूडेंट का आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में वो आपका DV था तो उनका से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे दोस्तों का कुछ आपका कमेंट आ रहा था जिनका भी DV नहीं हुआ है या फिर जिनका हो गया है वो भी पहले से ये चीज़ पूछ रहे थे, तो जिसके बारे में जो है सो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। तो जैसे मैं आपका क्या था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि सर प्रोविजनल है हमारे पास, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो क्या प्रोविजनल से हमारा काम हो जाएगा? या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास माइग्रेशन नहीं था, साथ में उनका यूनिवर्सिटी भी चेंज हो रहा था, तो क्या उनके साथ भी किसी तरह का प्रॉब्लम है? या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पूछ रहे थे कि सर मैं जैसे वो सेकेंड काउंसलिंग में जाना चाहते थे लेकिन फिर वो कंसिडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग नहीं करके एक्सेप्ट एंड आई गो टू पे करके 3000 कर दिए और बाद में उनको पता चला कि यहाँ से सेकेंड राउंड का काउंसलिंग नहीं होगा, तो क्या उनके लिए कोई अपडेट है कि नहीं? तो एक आपका जो है सो जब आप जाइएगा तो अपग्रेड और ब्लॉक करके एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा DV में। तो क्या है ये सारा प्रोसेस, आइए हम लोग एक एक करके इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सबों के लिए। और साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, कुछ कुछ जो पॉइंट है वो सबको हम लोग देख लेते हैं। एक चीज और हम लोग बता देते हैं कि जैसे कि आपको बताए थे कि ये जो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या डीवी में जो भी आज हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि अभी डीवी कंप्लीट हो गया, तो उनसे हमारी बात हुई थी। 2-3 स्टूडेंट हैं और आपके पटना यूनिवर्सिटी से कुछ हैं, एक आप दो आपके AKU यूनिवर्सिटी से हैं और एक LNMU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो जिनका भी डीवी कंप्लीट हुआ है, तो उन लोगों से हमारी बात हुई और उसके आधार पर मैं जो ये वीडियो आप सबों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इशू जो आपका आ रहा था प्रोविजनल को लेके और जो है सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेके, तो जैसा कि आपको पता हो कि प्रोविजनल एक दूसरा सर्टिफिकेट होता है और एक आपका होता है जिसको डिग्री भी ग्रेजुएशन में बोलते हैं, तो जो डिग्री होता है उसको लेके इशू था। तो देखिए, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि जैसे कि दोनों आपका एप्लीकेबल है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपका ज़्यादा पुराना ग्रेजुएशन जैसे 2010 या फिर आप उससे पहले के हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना अत्यंत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो अभी हाल ही में पास आउट हुए जैसे 2018 हो गया, 19 में हो गया, तो उनका क्या है कि बहुत जगह यूनिवर्सिटी में अभी तक डिग्री इशू नहीं हुआ, तो उस केस में क्या हो कि प्रोविजनल आपका मान्य है। तो अगर आप वहाँ पर प्रोविजनल दे रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ आपका मान्य है, उसमें किसी भी तरह का आपके साथ कोई समस्या नहीं होगा। तो प्रोविजनल और डिग्री को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने इसको पहले भी बताया था कि प्रोविजनल अगर आपके पास है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि आपका जो सेशन है ग्रेजुएशन का वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी कुछ स्टूडेंट थे जिनका हुआ है तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, LNMU के स्टूडेंट थे, उनके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं था क्योंकि इशू ही नहीं हुआ था। वो शायद 2018 के आसपास में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो उनके साथ प्रोविजनल था, तो प्रोविजनल में उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रोविजनल DV में जो है सो आपका फुल एप्लीकेबल है। दूसरा, माइग्रेशन को लेके भी इशू आ रहा था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी चेंज हो गया, सर मेरा तो माइग्रेशन एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर देखा जाए तो माइग्रेशन आपका यूनिवर्सिटी से मतलब आप होता क्या है, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय त्याग प्रत्याग पत्र जिसको बोला जाता है, तो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको यूनिवर्सिटी से इशू करवाना पड़ता है। बहुत सारे दोस्तों का इशू हो गया होगा जो करवा भी लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उनके साथ भी क्या है कि इमिग्रेशन को लेकर कुछ सेंटर पर क्या है कि अगर मांगा भी गया है नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे भी आपका DV सेंटर है जहाँ पर इमिग्रेशन को लेकर नहीं मांगा गया और स्टूडेंट्स के पूछने पर पता चला कि आपको एडमिशन के टाइम पर इमिग्रेशन देना पड़ेगा। तो माइग्रेशन अगर आपके पास है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइग्रेशन को लेके ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, एक स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने बताया कि कुछ कुछ सेंटर पे क्या है, जैसे आपका अगर कहीं प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले थोड़ा सा ज्यादा अंदर से उत्तेजित रहते हैं एडमिशन जल्द से जल्द, क्योंकि उनका सीट पूरा फुल हो जाता है इसलिए वो उत्तेजित रहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेज है जहां पे, तो वहां पे क्या है कि खैर जहां आपका हुआ होगा वहां पे तो DV नहीं होगा, लेकिन कहीं अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका नाम है, प्रेफरेंस आपको वहां मिल चुका है, तो उस सब जगह में क्या है कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं किया जा रहा है अगर मतलब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। या फिर आपका जैसे एक का कमेंट भी था कि
मतलब एक स्टूडेंट ने भी बताया था कि आपका बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका मार्कशीट उनके पास नहीं था, जो कि आपका मेंशनड है, आपके दिया गया है डीवी क्या क्या लेके आना है, तो उस लिस्ट में मेंशनड है आपका बीएड का जो एग्जाम हुआ है उसका मार्कशीट, तो एक मार्कशीट नहीं था। तो पूछने पे उनसे बोला गया कि मेरे पास मार्कशीट नहीं है, तो उसको उनको भी जो है सो डीवी में मतलब कैंसिल नहीं किया गया, उनका भी डीवी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये भी है कि कुछ लोगों ने ये भी इशू दिया कि सर डीवी जो है सॉरी मार्कशीट अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेके कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में है तो वहां पे थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज के भी एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब डीवी को लेके किसी भी तरह का आपके पास पेपर नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा उसमें सख्ती बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास पेपर होगा ही। हाँ, प्रोविजनल वाला जो इशू है वो गवर्नमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रोविजनल बहुत यूनिवर्सिटी में आपका 2-3 साल के बाद ही इशू हो पाता है, ठीक है। तो प्रोविजनल सॉरी डिग्री के बारे में, हाँ डिग्री आपका 2-3 साल के बाद इशू होता है, तब तक के लिए प्रोविजनल आपका पूरी तरह से वैलिड है। ज्यादातर स्टूडेंट का आपका प्रोविजनल को लेकर आ रहा था। इमिग्रेशन के साथ भी वही है, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, सीएलसी जरूर होना चाहिए, सीएलसी आप लोग जरूर रखिएगा। साथ में एक क्या है, सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम आया था ये वाला लेके, ये अपग्रेड और ब्लॉक का एक फॉर्म आपको दिया जा रहा है डीवी सेंटर पे, वो क्या है उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा जब आपने 3000 पेमेंट किया था, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग, मतलब उनको सेकंड काउंसलिंग में जाना था, वेट करना था उनको सेकंड काउंसलिंग का, लेकिन क्या हुआ कि वो उनको लगा कि आई एक्सेप्ट एंड गो टू करके पेमेंट करना है, फिर हमको सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका जो है सो पूरा फाइनल कर दिया गया जो कॉलेज था, मतलब वो खुद से एक्सेप्ट कर चुके थे और पे कर चुके थे। तो उनके साथ क्या है, जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा डीवी में कि आप इस कॉलेज में रहना चाहते हैं, मतलब परमानेंटली एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप टेम्पोरली इस कॉलेज को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ये रहेगा। दूसरा, आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन होता है, तो अगर आप अपने कॉलेज जो आपको प्रिफरेंस में मिला है तो वो आप टेम्पोरली उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और साथ ही आप अपग्रेड में जा सकते हैं। ये आपका जो अभी जो हो रहा है उसके लिए बताया जा रहा हूँ। हाँ, अगर आप हैं कि नहीं मुझे इसी में लेना है, मुझे अपग्रेड में नहीं जाना, अपग्रेड मतलब आपका जो जैसे फिफ्थ प्रिफरेंस का आपको कॉलेज मिला होगा, तो अगर अपग्रेड पे लगाते हैं तो अगर आपका रैंक ऊपर चला जाता है तो हो सकता है कि आपको थर्ड में मिल जाए, या फिर आपको हो सकता है सबसे पहले आपका प्रायोरिटी फिफ्थ के बाद फोर्थ पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, उस टाइप से मतलब प्रायोरिटी आपका अपग्रेड होते जाएगा, ये चीज है। तो अगर आपको जो प्रेफरेंस मिल गया है, कॉलेज मिल गया है, तो आप अगर उसमें लेना चाहते हैं तो आपके लिए अपग्रेड और ब्लॉक का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप उस फॉर्म को नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही आपसे पूछा जाए, अगर आप बोले कि हाँ सर मुझे अपग्रेड करना है, तो आपको एक अपग्रेड का फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिल करना है, उसके बाद क्या है कि आपको अपग्रेड के लिए डाला। साथ ही ये बहुत बड़ा इशू है कि क्या अगर आप अपग्रेड में जाते हैं तो क्या आपका पुराना वाला कॉलेज जो आपको मिल चुका है वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा न्यूज है आप सबों के लिए कि अगर आप अपग्रेड में जाते हैं फिर भी आपका जो पहले वाला कॉलेज अलॉट हो चुका है वो आपके पास सेफ रहेगा, लेकिन तब तक जब तक कि आपका सेकंड काउंसलिंग तक ही, ठीक है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, सेकंड काउंसलिंग में आपको अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट थे वो बता रहे थे इस टाइप का। तो ये सब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि आज फर्स्ट डेट के डीवी से रिलेटेड था, और आशा करते हैं कि सभी लोग को इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहा होगा, तो उन सबों का लग रहा है मुझे कि उन सबों का प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, ये वाला आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग अभी से इस चीज़ को सोच लीजिए कि आपका जो प्रेफरेंस अलॉट हुआ है उसके ऊपर का प्रेफरेंस अगर आपको लग रहा है कि मुझे मिल सकता है, तो आप लोग अपग्रेड के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं, नहीं अगर आप लोग जाना चाहते फिर से वही बात है, आपके पास अपग्रेड का जो ऑप्शन है आप उसको नहीं भी ले सकते हैं, अपग्रेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा वहां पे। इसलिए बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आया था कि सर मेरा जो है सो गलती से 3000 पे हो गया एक्सेप्ट करके, तो मैं क्या करूं। तो आप लोग के साथ यही है कि आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं, आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन अभी भी बचा है।